भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी हमेशा से जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और जनहित से जुड़े नेक कार्यों में अपना अहम योगदान देती रही है। इसी कड़ी में दिन शुक्रवार को एक जरूरतमंद जोड़े का निकाह भिलाई करबला मैदान में कमेटी के द्वारा मुकम्मल कराया गया। भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी के जानिब से एक बार फिर जनहित के कार्यों को अंजाम देते हुए एक जरूरतमंद जोड़े का निकाह भिलाई करबला मैदान परिसर में संपन्न कराया गया। ये दोनों ही परिवार निकाह का खर्च उठाने में अक्षम थे और उन्होंने भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी से संपर्क कर अपनी यथास्थिति बताई, जिसे सुनने के बाद कमेटी ने यह निर्णय लिया कि इस जोड़े का निकाह कमेटी स्वयं करवाएगी। पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ जोड़े को एक एक करके निकाह पढ़वाया गया, जिस पर दोनों ने ही अपनी रजामंदी जाहिर की और नव दाम्पत्य जीवन में बंध गए। प्रोग्राम की जानकारी भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी के सदर एवं एक अन्य ने न्यूज टीम को दी है। यहाँ आज निकाह हुआ है और आए दिन यहाँ पर निकाह होता रहता है और ज़रूरतमंद लोग मिलते हैं आकर के और उनकी ज़रूरत के हिसाब से निकाह यहाँ की कमेटी हमेशा कराते आई है और कराते भी रहेगी। इस तरह से निकाह आज प्रोग्राम हुआ। लड़का रायपुर का, लड़की रायपुर की है और लड़का यहीं का है, भिलाई का है। करबला कमेटी की जानिब से ही शादी हुई। ये आज जो एक जोड़े निकाह साथ निकाह हुआ है, ये मतलब ज़रूरत के हिसाब से हुआ है। ये इज्तमाही निकाह नहीं है, लगातार 24 साल से हम लोग इज्तमाही निकाह करते आ रहे हैं। अगला इज्तमाही निकाह ये ईद बाद होगा और ये हम ज़्यादा किसी स्थान बाहर नहीं लेते, अपनी कमेटी के ही अराकीन से ही व्यवस्था करते हैं और उसी व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम होता है। वो दरअसल लड़की और लड़कों की तरफ ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मतलब वो निकाह कराना पड़ा। भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी के द्वारा प्रतिवर्ष इज्तमाही निकाह का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष भी रमजान के महीने से पंजीयन प्रारंभ होगा और ईद के बाद इज्तमाही निकाह का आयोजन किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।